सबसे पहले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान 2020 से 2023 तक कितने सीरीज खेलेगा, कितने आईसीसी इवेंट में शरीक होगा, कितने होम और कितने अवे सीरीज होगी, कब और कहां और शेड्यूल क्या है, मगर मजीद तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले हसब रिवायत तमाम दोस्तों से बस एक ही दरख्वास्त, किस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन फौरन आपको मिलती रहे। अगर आप चाहते हो कि पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाए, सच्चे पाकिस्तानी और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले भाई इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। अगर पाकिस्तान के 2020 से लेकर 2023 तक सीरीज की बात करें तो फरवरी मार्च बांग्लादेश से होम सीरीज होगी, जिसमें दो टेस्ट और एक वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। इसके अलावा पीएसएल के बाद जनूबी अफ्रीका से भी 3 T20 मैचों की सीरीज पर बात हो रही है, फिलहाल उसकी शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। जुलाई में नीदरलैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस की अवे सीरीज होगी, जुलाई में आयरलैंड के खिलाफ 2 T20 मैचेस की सीरीज होगी, जुलाई अगस्त में इंग्लैंड के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 3 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, अगस्त सितंबर में अवे सीरीज होगी इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होगी, सितंबर में एशिया कप होस्टेड बाय पाकिस्तान मतलब के वेन्यू पाकिस्तान होगा, अक्टूबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होगी, अक्टूबर नवंबर 2020 आईसीसी वर्ल्ड T20 जो की ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा, नवंबर दिसंबर होम सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे, दिसंबर 2020 एंड जनवरी 2021 न्यूजीलैंड के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 2 टेस्ट मैचेस और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होगी, जनवरी फरवरी 2021 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज होगी जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस होंगे, अप्रैल में जिम्बाब्वे के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होगी, इसके अलावा जून में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जो की इंग्लैंड में खेला जाएगा, जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज होगी, जुलाई अगस्त वेस्ट इंडीज के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 3 टेस्ट और 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, सितंबर में अफगानिस्तान के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी जिसमें 3 वनडे और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, अक्टूबर नवंबर 2021 आईसीसी वर्ल्ड T20 जो कि इंडिया में खेला जाएगा, नवंबर दिसंबर अवे सीरीज बांग्लादेश के खिलाफ होगी जिसमें 2 टेस्ट और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, दिसंबर में होम सीरीज वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला जाएगा, इस दौरान 3 वनडे और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, फरवरी मार्च ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज होगा जिसमें 2 टेस्ट 3 वनडे और 3 T20 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, जुलाई अगस्त श्रीलंका के खिलाफ अवे सीरीज होगी जिसमें 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों पर मुश्तमिल सीरीज होगी, सितंबर में एशिया कप खेला जाएगा जबकि अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज होगी जो कि 5 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल होगी, अक्टूबर नवंबर होम सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा जिसमें 2 टेस्ट और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी, दिसंबर 2022 इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज खेली जाएगी जिस दौरान 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज खेली जाएगी, जबकि फरवरी मार्च 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेला जाएगा पर मुश्तमिल होगी। तो दोस्त ये थी 2020 से लेकर 2023 तक पाकिस्तान के तमाम मैचेस और सीरीज के हवाले से कुछ अपडेट, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर।